Hi everyone, I welcome you all to the FB Live session with SRG CBCC Hospitals Indore. Today we have got Dr. Amit with us today, and he'll be discussing about an expert talk on the introduction to the radiation and oncology. Doctor, if you could just kindly introduce yourself to the youth. Myself Dr. Amit Jain, मैं SRG CBCC कैंसर हॉस्पिटल में रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ. आज हम रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के बारे में बात करेंगे. मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के पहले ये जानना हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कैंसर क्या होता है. हमारा शरीर नॉर्मल बहुत सारी सेल्स से बना होता है. ये सेल्स मिल करके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिल करके ऑर्गन बनाते हैं. नॉर्मल पेशेंट में हमारे शरीर में सेल्स एक रेगुलर कोर्स में डिवाइड होते रहते हैं. एक कंट्रोल पेशेंट में इनका डिवीजन होता रहता है, तो हमारा शरीर ग्रो करता रहता है. कई बार कुछ ऐसे एक्सोजीनस एंडोजीनस कॉज होते हैं जिसकी वजह से बॉडी में म्यूटेशन होते हैं, सेल्स में कुछ चेंजेस आते हैं और इनका प्रोलिफरेशन कंट्रोल होने की जगह अनकंट्रोल हो जाता है और वो एबनॉर्मल टिश्यू या एबनॉर्मल जो ग्रोथ होती है उसको कैंसर बोला जाता है. कैंसर मैनेजमेंट के लिए नॉर्मली तीन तरह के ट्रीटमेंट मुख्यतः यूज़ किए जाते हैं. पहला ट्रीटमेंट एक सर्जरी होता है, दूसरा रेडिएशन होता है, तीसरा कीमोथेरेपी होता है. इसके अलावा भी बहुत सारे सपोर्टिंग ट्रीटमेंट होते हैं, पर ये तीन ट्रीटमेंट मुख्यतः दिए जाते हैं. इनमें से हम बात करेंगे रेडिएशन के बारे में. रेडिएशन बेसिकली रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में रेडिएशन के द्वारा पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया जाता है, कैंसर का उपचार किया जाता है. रेडिएशन को हम एक नॉर्मल आम बोलचाल की भाषा में हर प्रदेश में हर प्रांत में एक अलग नाम से जाना जाता है. कहीं पर इसको लाइट बोला जाता है, कहीं पर इसको सिकाई बोला जाता है, कहीं पर भाप बोलते हैं, कहीं पर इसको बिजली बोला जाता है. पर बेसिकली ये हाई एनर्जी एक्सरेस होते हैं और कहीं कहीं किसी किसी प्लेस पर ये गामा रेज़ होते हैं जिनके द्वारा पेशेंट के कैंसर का उपचार किया जाता है. तो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी बेसिकली वो फील्ड है जिसमें रेडिएशन के थ्रू पेशेंट्स के ट्रीटमेंट किए जाते हैं. थैंक यू सो मच डॉक्टर. सर मेरे को सर आपसे बस एक ही सवाल पूछना है कि ये व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी जो हमारे हॉस्पिटल में है. देखिए, रेडिएशन बेसिकली दो तरह से दिया जाता है. एक एक्सटर्नल रेडिएशन होता है जिसे टेलीथेरेपी बोलते हैं. दूसरा रेडिएशन होता है इंटरनल रेडिएशन जिसे ब्रैकीथेरेपी बोलते हैं. ब्रैकी मीन्स नियर. जब पास से रेडिएशन दिया जाता है तो उसको ब्रैकीथेरेपी या इंटरनल रेडिएशन बोला जाता है. मुख्यतः जो 90% ट्रीटमेंट दिए जाते हैं वो एक्सटर्नल रेडिएशन या टेलीथेरेपी मशीन के द्वारा दिए जाते हैं. इसके लिए जो एडवांस एक यूनिट होती है जिसको लीनियर एक्सेलरेटर बोला जाता है, इसमें कुछ डिस्टेंस पर पेशेंट्स को लिटा करके एक प्रॉपर पोजीशन के साथ, प्रॉपर तैयारी के साथ, प्रॉपर प्लान बनाने के बाद उस साइट पर रेडिएशन ट्रीटमेंट दिया जाता है. रेडिएशन हाई एनर्जी एक्सरेस होते हैं जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, और उसके द्वारा ये ट्रीटमेंट दिया जाता है. कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें हमको एक्स्ट्रा रेडिएशन का कई बार बूस्ट करना होता है, या कुछ बहुत अर्ली मैलिग्नेंसीज होती हैं जिनमें ब्रैकीथेरेपी के द्वारा इंटरनल रेडिएशन किया जाता है. ज़्यादातर मोर देन 90% पेशेंट्स को एक्सटर्नल रेडिएशन के द्वारा ही ट्रीटमेंट दिए जाते हैं. ये दो तरह के रेडिएशन नॉर्मली दिए जाते हैं. एक्सटर्नल रेडिएशन के फिर बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जिनसे ट्रीटमेंट दिया जाता है. वो अलग अलग टेक्निक्स क्या होते हैं वो मैं आपसे आगे जब टेक्निक के बारे में डिस्कस करूंगा तब बताऊंगा. पर ग्रॉसली हम बात करें तो इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह के रेडिएशंस दिए जाते हैं. राइट डॉक्टर, थैंक यू सो मच. बट आई ऑलवेज वांटेड टू आस्क यू अ क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ कैंसर्स आर बीन कॉमनली ट्रीटेड विद रेडिएशन थेरेपी? बेसिकली रेडिएशन ट्रीटमेंट जो दिया जाता है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कैंसर मैनेजमेंट में मोर देन 70-75% पेशेंट ऐसे होते हैं, यदि हम पूरे ओवरऑल कैंसर बर्डन की बात करें, जिन्हें किसी ना किसी फॉर्म में लाइफ टाइम में रेडिएशन की ज़रूरत होती है. कई बार हम रेडिएशन को दो तीन तरह के यदि एस्पेक्ट की बात करें, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें डायरेक्ट रेडिएशन के द्वारा ही पेशेंट को ठीक किया जाता है, इसको हम रेडिकल रेडिएशन थेरेपी बोलते हैं. दूसरा रेडिएशन होता है जो हम पोस्ट ऑप सेटिंग में रेडिएशन देते हैं कि सर्जरी होने के बाद पेशेंट हमारे पास आता है तो हम एक एज्यूम किया जाता है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कहीं कोई डिसीज हो सकता है जो पेशेंट की स्टेज के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, तो उस कंडीशन में हम रेडिएशन देते हैं. और तीसरा एक पैलेटिव इंटेंट रेडिएशन होता है कि कई बार पेशेंट की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है,
तो बहुत ज्यादा बढ़ने के बाद उस जगह पे हम रेडिएशन देते हैं कि पेशेंट को बहुत पेन हो रहा है, या पेशेंट को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग है, या पेशेंट का मास किसी तरह का दूसरा सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम रेडिएशन देते हैं तो वो इमीडिएट उनको इस ट्रीटमेंट का इफेक्ट आता है और वो कंफर्टेबल हो पाते हैं। जो रेडिकल अप्रोच की बात की जाए तो जिनमें हम डायरेक्ट रेडिएशन से ही ट्रीटमेंट करते हैं, ऐसे बहुत सारे मैलिग्नेंसीज हैं जिनमें डायरेक्ट रेडिएशन से ही ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि जनरल पब्लिक में एक बहुत बड़ा मिथ है, कन्फ्यूजन है कि हर पेशेंट को रेडिएशन नहीं लगता, रेडिएशन सिर्फ जब बीमारी बहुत बढ़ जाती है तब दिया जाता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी मैलिग्नेंसीज है, जैसे हम मुंह के अंदर की बात करें तो जीभ के पिछले हिस्से का कैंसर होता है, टॉन्सिल का कैंसर है, या स्वरयंत्र का है, खाने की नली का कैंसर है, महिलाओं में बच्चेदानी के मुख का कैंसर, योनि का कैंसर, पेशाब की थैली का कैंसर, ऐसे बहुत सारे कैंसर है जिनमें रेडिएशन ही पहला ट्रीटमेंट होता है, पोरस ग्रंथि प्रोस्टेट का कैंसर, जिनमें रेडिएशन ही आज के समय में स्टैंडर्ड ऑफ केयर है। बहुत सारे पेशेंट जिनमें सर्जरी के बाद रेडिएशन ज्यादातर केसेस में जरूरत होती है, जैसे कि हम बात करें तो गाल का कैंसर होता है, दाढ़ का कैंसर होता है, जीभ के अगले हिस्से का कैंसर, तालू का कैंसर, कई बार गले के अंदर स्वरयंत्र का बीमारी बड़ा होता है तो उसमें भी रेडिएशन की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही बच्चेदानी के अंदर की प्रॉब्लम के लिए भी ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे कैंसर है जिनमें पोस्ट ऑप सिटिंग में रेडिएशन दिया जाता है, और जैसा मैंने पैलेटिव इंटेंट आपको बताया कि इमरजेंसी और पैलेटिव सिचुएशन में पेशेंट को तुरंत बेनिफिट देने के लिए, दर्द में ब्लीडिंग रोकने के लिए रेडिएशन दिया जाता है। तो डॉक्टर, ये जो पेशेंट में जो होता है सर, तो उसमें सर जो थेरेपी है उसमें कोई भी लेटेस्ट एडवांसमेंट्स हुए सर ओवर द इयर्स? एक ऐसा फील्ड है, यदि हम पूरे मेडिकल वर्ल्ड की बात करें तो रेडिएशन एक ऐसा फील्ड है जिसमें मिलीमीटर की एक्यूरेसी का भी ध्यान रखा जाता है। मतलब एक एक दो दो मिलीमीटर्स में भी आसपास के एरिया को कैसे प्रोटेक्ट करना है, इसके लिए कंटिन्यूस एडवांसमेंट होते रहते हैं। रेडिएशन लास्ट फ्यू डिकेड्स की बात करें तो रेडिएशन एक ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। पहले सिर्फ कोबाल्ट 60 मशीन जो कि गवर्नमेंट सेटअप्स में रहती थी हुआ करती थी, लीनियर एक्सीलेटर के रेवोल्यूशन होने के बाद उसमें नए नए टेक्निक्स आते चले गए, और नए नए टेक्निक्स का एडवांटेज यही होता है कि हम पेशेंट के साइड इफेक्ट को कम से कम कर पाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रिसीजन, एक्यूरेट और टारगेटेड रेडिएशन डिलीवर कर पाते हैं। तो सर इसके जैसे कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं सर डॉक्टर? एक रेडिएशन के साइड इफेक्ट बेसिकली इस पर डिपेंड करते हैं कि हम पेशेंट को किस साइट पर रेडिएशन डिलीवर कर रहे हैं। वर्ल्ड में कोई भी ट्रीटमेंट दिया जाए, चाहे किसी भी मॉडलिटी का ट्रीटमेंट हो, कैंसर के अलावा भी दूसरे प्रॉब्लम्स होते हैं, हर ट्रीटमेंट पे यदि कुछ इफेक्ट होते हैं तो कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। रेडिएशन भी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें साइड इफेक्ट बहुत अच्छे आने के चांसेस होते हैं, तो साथ में कुछ इफेक्ट अच्छे आने के चांसेस होते हैं तो उसके साथ में साइड इफेक्ट की पॉसिबिलिटी भी बनी रहती है। ये साइड इफेक्ट कैसे होंगे, क्या होंगे, ये बेसिकली डिपेंड करता है कि पेशेंट की बीमारी क्या है, किस साइट पर है, कितना बड़े एरिया हम रेडिएशन का उनको, रेडिएशन का फील्ड क्या है, हम कितने बड़े कितना ज़्यादा डोज उनको देने वाले हैं, ये सारी चीज़ें ये डिसाइड करती हैं कि पेशेंट को रेडिएशन के साथ क्या साइड इफेक्ट होंगे। अब जैसे पेशेंट को यदि जीभ का कैंसर है और हम उनको रेडिएशन देते हैं तो स्वाभाविक है कि मुँह के अंदर उसको छाले आने के या अल्सर्स आने के चांसेस रहेंगे, खाने पीने में निगलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, स्किन के ऊपर डिस्कलरेशन होगा। तो रेडिएशन के यदि हम साइड इफेक्ट की बात करें तो रेडिएशन के साइड इफेक्ट को दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एक होता है एक्यूट साइड इफेक्ट या अर्ली साइड इफेक्ट, जो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ही पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। दूसरे होते हैं लेट साइड इफेक्ट, जो कि कई बार रेडिएशन खत्म होने के कई महीनों के बाद, कई सालों के बाद आने के चांसेस होते हैं। जो एक्यूट साइड इफेक्ट होते हैं वो मैंने बताया कि साइट के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, जैसे मुंह के मरीजों में, गले के मरीजों में देंगे तो खाने पीने में निगलने में प्रॉब्लम, अल्सर होना। यदि पेशेंट को नीचे देंगे रेडिएशन लाइक बच्चेदानी वाली जगह पे या पेशाब की थैली या पोरस ग्रंथि वाली जगह पर रेडिएशन देते हैं तो उसकी वजह से पेशाब में जलन होना, मोशन में जलन होना, ये एक्यूट साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। लेट साइड इफेक्ट होते हैं कि पेशेंट को मुंह के मरीजों को मैं रेडिएशन दे रहा हूँ तो लेट साइड इफेक्ट की वजह से हो सकता है कि उनकी लार ग्रंथियाँ, यदि सिंपल टेक्निक से हम रेडिएशन डिलीवर करते हैं तो पॉसिबल है कि उनकी लार ग्रंथियाँ काम नहीं करती हैं, तो उसकी वजह से मुंह में बहुत सूखापन रहना, कई बार थोड़ा सा आवाज में चेंजेज हो जाना, डेंटिशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होना कि डेंटल डिके होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ डिलेड साइड इफेक्ट होते हैं जो बाद में देखने को मिलते हैं, लेकिन
नई नई टेक्निक्स आने की वजह से अब हम पेशेंट्स के इन लेट साइड इफेक्ट को काफी हद तक कम कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो ये बेसिक एडवांटेज होता है नए टेक्निक से रेडिएशन कराने का। और हम लेट साइड इफेक्ट के साथ साथ एक्यूट साइड इफेक्ट को भी कम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर मेरे को आपको ना एक चीज पूछनी थी, जब पेशेंट जब डायग्नोस होता है जब कैंसर से, तो वो एकदम घबरा जाता है एंड इट टेक्स यू नो फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एज वेल सर, तो हाउ डू यू एडवाइस देम टू यू नो गो थ्रू द एंटायर प्रोसेस? डेफिनेटली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने रिचेल। बेसिकली जो प्रॉब्लम है, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें जब भी किसी के परिवार में ये प्रॉब्लम होती है तो ये पेशेंट ही नहीं, पेशेंट की पूरी फैमिली, पूरा कुटुंब डिस्टर्ब हो जाता है इसको सुनने के बाद। क्योंकि कैंसर मैनेजमेंट को लेकर के एक तो बहुत ज़्यादा मिथ भी हैं, कन्फ्यूजन्स भी हैं, लोगों के दिमाग में ये रहता है कि ये बीमारी अब कभी ठीक नहीं होगी, हमारा पेशेंट ठीक नहीं हो सकता। तो जब पेशेंट डॉक्टर से मिलता है या हॉस्पिटल में आता है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी कोई पार्ट होता है तो वो होता है पेशेंट की और उनके अटेंडेंट की एक प्रॉपर काउंसलिंग, डिसीज के बिहेवियर के बारे में बताना, ट्रीटमेंट के ऑप्शंस के बारे में बताना और उनको ये बताना कि आप ठीक हो सकते हैं। तो पेशेंट को ड्यूरिंग ट्रीटमेंट एक इमोशनली उनको जितना ज़्यादा हम सपोर्ट कर सकते हैं उतना उनके लिए बेटर होता है। प्रॉपर काउंसलिंग में पेशेंट की फिजिकल पार्ट को देखने के लिए कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट पेशेंट एक प्रॉपर डाइट ले, प्रॉपर उसकी काउंसलिंग हो, साइकोलॉजिकल पार्ट को देखना, सपोज नीड है तो हम उनको फिजियोथेरेपी, डेंटिस्ट से मिलवाना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनसे हम पेशेंट्स को किसी ना किसी तरीके से पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में ट्रीट करने के लिए आगे बढ़ पाते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आई थिंक आई एम डन विद क्वेश्चंस फ्रॉम माय पार्ट। आई एम नाउ ओपन फॉर द व्यूअर्स क्वेश्चन इफ दे हैव एनी। ओके सो डॉक्टर, सोनम पांडे हैज अ क्वेश्चन, हाउ इज रेडिएशन थेरेपी डिफरेंट फ्रॉम अदर कैंसर ट्रीटमेंट्स? ओके, देखिए कीमोथेरेपी और सर्जरी। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन माय फर्स्ट उस तरह के ट्रीटमेंट हम लोग पेशेंट्स को ऑफर किए जाते हैं मुक्ता। एक सबसे मेन एक ट्रीटमेंट होता है सर्जरी, दूसरा कीमोथेरेपी और तीसरा रेडिएशन ट्रीटमेंट। तीनों एंटायरली डिफरेंट ट्रीटमेंट है, पर कैंसर मैनेजमेंट एक टीम वर्क होता है और अकॉर्डिंग टू पेशेंट की डिसीज, उसकी स्टेज, उसकी साइट, ये डिसाइड होता है कि कौन से पेशेंट को कौन सा ट्रीटमेंट लगेगा। कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी सर्जरी में ये डिफरेंस है कि सर्जरी और रेडिएशन लोकल ट्रीटमेंट है, इनका जो भी इफेक्ट है या जो प्रोसेस होगा वो लोकली होता है। सर्जरी में ट्यूमर को निकाला जाता है सर्जरी के द्वारा, रेडिएशन में रेडिएशन के द्वारा उस जगह की बीमारी को खत्म किया जाता है एक्सटर्नली, इसमें कुछ डायरेक्ट एक्सटर्नली बाहर से रेज डाली जाती है। कीमोथेरेपी सिस्टमिक ट्रीटमेंट होता है जिसमें ब्लड वेसल्स के द्वारा, ब्लड वेसल्स के थ्रू कीमोथेरेपी की ड्रग्स होती हैं उनको इंजेक्ट किया जाता है। तो ये दोनों तीनों ट्रीटमेंट अलग होते हैं। रेडिएशन और सर्जरी के जो भी इफेक्ट या साइड इफेक्ट होते हैं वो लोकल होते हैं, क्योंकि कीमोथेरेपी पूरा ड्रग्स वेसल्स के थ्रू दिया जाता है, तो इसकी वजह से थोड़े सिस्टमिक साइड में इफेक्ट पूरी बॉडी में देखने को समटाइम्स मिलते हैं। और ये बेसिक डिफरेंस है इन तीनों मॉडलिटी में, पर ये अकॉर्डिंग टू पेशेंट डिसीज और उसकी कंडीशन स्टेज के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि पेशेंट्स को दोनों दो ट्रीटमेंट लगेंगे या तीनों लगेंगे या एक सिंगल मॉडलिटी से काम। थैंक यू सो मच डॉक्टर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन अ स्क्रीन इज बाय जेम्स। हेलो डॉक्टर, आर देयर एनी टाइप्स ऑफ कैंसर दैट मे नॉट बी suitable for a radiation therapy? Yes, number of malignancies है जिनमें radiation का role बहुत limited होता है। Specifically हम बात करें तो blood cancer, blood के बहुत सारे cancers होते हैं जिनमें मुक्ता जो treatment होता है वो chemotherapy होता है, radiation का role इसमें बहुत limited होता है और नहीं किया जाता। ऐसे ही महिलाओं में होने वाला एक ovarian cancer होता है जिसमें भी ज़्यादातर main treatment surgery और chemotherapy होते हैं और उसमें रेडिएशन का रोल बहुत ज़्यादा नहीं होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रॉब्लम्स होता है, गॉल ब्लैडर पित्त से के कैंसर होते हैं, ऐसे बहुत सारे कैंसर हैं जिनमें रेडिएशन का रोल लिमिटेड है
और दूसरी मॉडलिटी लाइक सर्जरी और कीमोथेरेपी से ही मेन ट्रीटमेंट किया जाता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन बाय मिहल। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग अ रेडिएशन थेरेपी सेशन एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक? एक्चुअली रेडिएशन, जैसा मैंने आपको बताया कि विद टाइम जो एडवांसमेंट हमारा रेडिएशन के साथ हुआ है, उसमें ऐसा नहीं होता है कि पहले जब आज से 20 इयर्स 22 इयर्स बैक पेशेंट आते थे, डायरेक्ट उनको मशीन पे ले जा करके हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया करते थे। अभी ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने के पहले हमको उनका रेडिएशन ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के पहले एक प्रॉपर प्लान जनरेट करना होता है। अभी जो ट्रीटमेंट होता है वो काफ़ी कंप्यूटर ऑप्टिमाइज प्लान जनरेट करते हैं। पेशेंट आते हैं, उनको क्लिनिकली एग्जामिन किया जाता है, देखा जाता है, उनको असेस करने के बाद उनकी एक पूरी प्रोसेस होती है। रेडिएशन ट्रीटमेंट में मैंने आपको बताया कि 1 मिलीमीटर भी एक्यूरेसी को मेंटेन किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि पेशेंट की प्रॉपर पोजिशनिंग हो, कुछ पोजिशनिंग डिवाइस यूज की जाती है जिससे पूरे ट्रीटमेंट, यदि सपोज 6 वीक का ट्रीटमेंट है पेशेंट का, तो एक ही पोजिशन में पेशेंट लेट पाए। उनको कुछ ऑर्फिट बनाए जाते हैं जिससे पेशेंट की प्रॉपर इमोबिलाइजेशन हो। पोजिशनिंग के साथ इमोबिलाइजेशन बहुत जरूरी स्टेप होता है, इसके लिए पूरी ट्रेंड टीम होती है जो ये वर्क करती है। उसके बाद पेशेंट का कंप्यूटराइज प्लान जनरेट, सीटी स्कैन करते हैं, सीटी सिमुलेशन बोला जाता है इसको। सीटी सिमुलेशन की सारी इमेजेस सिस्टम पर ट्रांसफर होती है, उसके पुराने स्कैन को लेटेस्ट स्कैन को देख करके कंप्यूटराइज प्लान जनरेट होता है। नंबर ऑफ प्लान जनरेट होते हैं उनमें जो वन ऑफ द बेस्ट प्लान होता है जिसमें हम नॉर्मल टिश्यू को स्पेयर कर पाते हैं और मैक्सिमम डोज ट्यूमर साइट पे डिलीवर कर पाते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। तो ये ट्रीटमेंट नॉर्मली डिजीज के अकॉर्डिंग होता है। नॉर्मली एक स्टैंडर्ड की बात करें तो 5 to 6 weeks, 7 weeks तक का ये ड्यूरेशन होता है मैक्सिमम कैंसर्स में। यदि किसी पेशेंट को पेन के लिए रेडिएशन दे रहे हैं तो कई बार ये 1 week में और 2 weeks में फिनिश हो जाता है। कुछ मेलिग्नेंस ऐसी होती है जिनमें 4 weeks में भी ये रेडिएशन फिनिश हो जाता है, बट वो डिपेंड करता है कि डिजीज क्या है। पर हम जनरल बात करें तो 4 to 6 weeks का एक ट्रीटमेंट ड्यूरेशन टोटल होता है। मंडे टू फ्राइडे ट्रीटमेंट दिया जाता है, सैटरडे संडे ट्रीटमेंट नहीं होता है। सैटरडे संडे का गैप रेडिएशन की वजह से कोई नॉर्मल टिश्यू टॉक्सिसिटी हो रहा है तो उसको रिड्यूस करने के लिए, बॉडी को रिकवर करने के लिए दिया जाता है ये टाइम। अभी नए नए टेक्निक्स आने की वजह से टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है ट्रीटमेंट में, बिकॉज हमारा इंटेंशन ये होता है लाइक IMRT रैपिड आर किस तरह के टेक्निक से कि मैक्सिमम नॉर्मल टिश्यू को हम स्पेयर कर पाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। नाउ वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन इन हाउस, दिस इज बाय जेमिन। नाउ जेमिन इज आस्किंग कि रेडिएशन जो थेरेपी होता है उसके कोई भी कॉम्बिनेशन है ट्रीटमेंट्स में? यस, रेडिएशन ऑलवेज, मैंने कैंसर मैनेजमेंट ऑलरेडी टीम वर्क होता है, इसमें बहुत सारी मॉडलिटीज को कंबाइन करके हम पेशेंट को एक बेटर रिजल्ट प्रोवाइड कर पाते हैं। जैसा मैंने अभी आपको प्रीवियस डिस्कशन में बताया कि पेशेंट सपोज बक्कल म्यूकोसा या एल्वियोलस या जीभ के कैंसर के लिए सर्जरी होता है तो उसमें हम रेडिएशन सप्लीमेंट करके माइक्रोस्कोपिक डिजीज के को ट्रीट करते हैं। रेडिएशन के टाइम समटाइम्स कीमोथेरेपी जो सिस्टमिक ड्रग्स हैं वो इसलिए दिए जाते हैं कि वो रेडिएशन के इफेक्ट को और पोटेंशिएट करते हैं। रेडिएशन के जो के लिए जो ट्रीटमेंट रेडिएशन से दिया जा रहा है वो रेडिएशन के उस एरिए के सेल्स को सेंसिटाइज करते हैं कीमोथेरेपी ड्रग्स। तो उस ड्यूरेशन में हम एक छोटा सा जो कीमोथेरेपी का रेडिएशन के साथ ऐड करते हैं और ये भी अकॉर्डिंग टू कैंसर डिसाइड होता है कि किस पेशेंट में ये देना है किस में नहीं देना है, क्योंकि कई कैंसर्स में बहुत मीनिंगफुल होता है जिसमें साथ में ये ड्रग्स दी जाती हैं, कीमोथेरेपी की ड्रग्स दी जाती हैं। कुछ कैंसर्स में इसका ज़्यादा मीनिंग नहीं होता है तो उस कंडीशन में सिर्फ रेडिएशन अलोन स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होता है। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच। नाउ वी हैव अ लास्ट क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड बाय अल्पना। नाउ अल्पना इज आस्किंग हाउ मच इज इट इफेक्टिव इन लेप्रोस्कोपोमा? नाउ दिस इज अ न्यू वर्ड फॉर मी नाउ। यस, लिपोसारकोमा। This is the basically in sarcoma always standard treatment is surgery. First surgery होती है, surgery करके उस tumor को पूरा निकाला जाता है। Suppose उसका size क्या है उसके according हमको उस site पर radiation deliver करना होता है। एक
सपोज मोर देन 5 सेंटीमीटर का साइज है या सर्जरी के बाद वो काफी क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स के पास में था जिससे हम प्रॉपर मार्जिन नहीं ले पाए सर्जन, तो ये बेसिकली इस पर डिपेंड करेगा कि कहाँ हुआ है, बॉडी के अलग अलग पार्ट में ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम पेशेंट की बात करें तो लाइपोसार्कोमा में पोस्ट ऑप सिटिंग में रेडिएशन दिया जाता है, और क्योंकि ये साइज जनरली थोड़े बड़े साइज के साथ ही कई बार डिटेक्ट होते हैं, तो मैक्सिमम पेशेंट में ये रेडिएशन साथ में देते हैं। और रेडिएशन का जो रोल होता है इस कंडीशन में वो यही रहता है कि वहाँ पे कोई माइक्रोस्कोपिक डिसीज बचा हो तो उसको हम फ्यूचर में रिकरेंस की पॉसिबिलिटी को खत्म कर पाए, तो ये इस तरह की सिचुएशन में काफी इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर देयर इज अ लास्ट क्वेश्चन व्हिच इज कि ये जो रेडिएशन थेरेपी होते हैं उनके कोई भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं जो हमेशा रह जाते हैं रिकवर होने के बाद भी शायद से? नहीं, रेडिएशन का मैंने बताया कि एक्यूट और लेट साइड इफेक्ट दोनों तरह के साइड इफेक्ट पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। पहले लेट साइड इफेक्ट थोड़े ज्यादा होते थे, लेट साइड इफेक्ट से मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट का मतलब होता है कि आफ्टर ईयर्स और मंथ्स कई बार पेशेंट्स को कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जिससे हम यदि किसी पेशेंट के पैलेट्स वाले हैं नीचे के हिस्से में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम लाइक ब्लैडर है या बच्चेदानी का प्रॉब्लम है या प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है या योनी वाले पार्ट पर ट्रीट कर रहे हैं, तो उस पार्ट पर हम जब रेडिएशन देंगे तो उसकी वजह से पेशेंट्स को प्रॉब्लम्स के चांसेस, लेट साइड इफेक्ट, कई बार ब्लीडिंग होना, ईयर्स कई सालों के बाद पेशेंट आफ्टर 5 ईयर 10 ईयर के बाद बोलेंगे कि उनको ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ है ना मोशन के साथ, यूरिन के साथ, ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। यदि हम पेशेंट को छाती वाले हिस्से में ट्रीट कर रहे हैं तो उस जगह पे कई बार प्रॉब्लम हो सकता है कि पेशेंट को लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है कि बाद में उसको लग सकता है कि निमोनिया जैसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, यदि खाने की नली को ट्रीट कर रहे हैं। ऊपर हेड एंड नेक पेशेंट को ट्रीट करते हैं, गले में करते हैं या चेहरे पे करते हैं, तो लार ग्रंथियों के अफेक्ट होने की वजह से उसकी वजह से मुंह में सूखापन पड़ सकता है, दांतों के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ये प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं। बट फिर भी मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जो मिलीमीटर में एक्यूरेसी की मैंने आपसे बात की थी वो यही है कि अभी जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, लीनियर एक्सेलरेटर मशीन है, उससे जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है उससे यही होता है कि हम साइड इफेक्ट की प्रॉबेबिलिटी को बहुत कम कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा चांस होता है कि पेशेंट को साइड इफेक्ट नहीं हो, मैक्सिमम इफेक्ट उसको ट्रीटमेंट का मिले। इसलिए जो नए टेक्निक्स हैं लाइक IMRT, रैपिड आर्क, प्रोटॉन थेरेपी या SRS, SBRT, ये बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं जिससे हम साइड इफेक्ट की पॉसिबिलिटी को काफ़ी कम कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे ज़्यादा हम 10 ईयर्स के बाद क्या होगा, 15 ईयर्स के बाद क्या होगा, इसके बारे में नहीं सोचें। ज़्यादातर मैं पेशेंट को यही सजेस्ट करता हूँ कि आप अच्छे टेक्निक से ट्रीटमेंट कराएं और आज आप क्या अच्छा कर सकते हैं उसके बारे में सोचें। थैंक यू सो मच डॉक्टर, दिस वाज एक्सट्रीमली इनसाइटफुल। आई वुड जस्ट वांट टू से टू ऑल माय व्यूअर्स कि अगर आप उज्जैन में हो या इंदौर में हो या अगर आपको कोई भी बीमारियों से आपको झिझक हो तो यू कैन ऑलवेज गो टू CBCC SRJ हॉस्पिटल्स एंड वी हैव गॉट एन अमेजिंग डॉक्टर अमित जैन इन हाउस। So thank you so much, doctor. This was an absolute delight session, having a good conversation with you, doctor. Thank you. Thank you so much.